हेलो फ्रेंड, मैं शिवानी मिश्रा। स्वागत है आप सभी का डिजाइनपुर में। आज मैं आपके साथ एक गिखी गाउन की वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। फुल एम्ब्रॉयडरी वीडियो है ये। गाउन आपको बनाने में बहुत ही इजी रहेगा अगर आप मुझे फुल वीडियो देखेंगे बिना स्किप किए। तो आपको ये क्लियर वीडियो में दिख रहा होगा कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है मेरी गाउन की वीडियो। ये गाउन मैंने बहुत ही इजी तरीके से इस वीडियो में समझा के बता रखा है। इसका फैब्रिक मैंने जितना लिया है आपको मैं वीडियो में दिखा देती हूँ, उतना फैब्रिक आप इसमें रखिएगा। तो इसमें देखिए, मैंने एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक जो यूज़ किया 1 मीटर है, और ये प्लेन फैब्रिक जॉर्जेट का जो यूज़ किया वो 3 मीटर है। और 3 मीटर के अकॉर्डिंग मैंने अस्तर का फैब्रिक लिया। पहले अस्तर की फैब्रिक को कट करेंगे। तो पहले इसका ऊपर के साइड अपर का पार्ट निकालेंगे। तो इसका ऊपर का बैक एंड फ्रंट दोनों पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो क्लियर देख लीजिए मैं कैसे कटिंग कर रही हूँ, इसी तरीके से दोनों पार्ट की कटिंग कर दीजिएगा। तो मैं इसकी जो चौड़ाई रख रही हूँ मैं अपने अकॉर्डिंग साइज में रख रही हूँ 10 इंच। लंबाई जो मैं इसकी रख रही हूँ वो देख लीजिए, कुछ 14 इंच के बराबर रख रही हूँ। तो इस तरीके से पहले ऊपर की साइड मार्किंग करते हुए इसकी बराबर में लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ से, और इसी बराबर में पहले कटिंग कर दीजिएगा। उसका पहले ऊपर के अपार्ट का मार्किंग करेंगे। तो 4 इंच का मैं इसका गला रख रही हूँ, आपको जितना इसमें बोट नेक चाहिए उतना मार्किंग कर सकते हैं। और टोटल जो इसकी चौड़ाई गले की रखी है मैंने 7 इंच रखी है, और 1/2 इंच के बराबर इसे माइनस भी करना है आपको। और आर्म होल की जो लंबाई है वो 7 इंच है, आर्म होल की भी आपको लंबाई 7 इंच ही रखनी है। यहाँ से बराबर में लाइन को ड्रॉ कर देंगे, 1 इंच का बीच में मार्किंग करेंगे और बिल्कुल बराबर में मार्क कर लेंगे। ये देखिए आर्म होल की मार्किंग हो गई, 1/2 इंच के बराबर ऊपर की साइड से माइनस कर लेंगे और यहाँ से बराबर लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। तो ये देखिए मैंने पूरा मार्किंग इसकी कर दी है। अभी दोनों पार्ट अपर सॉरी बैक एंड फ्रंट दोनों पार्ट इसी में है, दोनों को बराबर में पहले कटिंग कर लीजिएगा। तो ये आपको समझ में आई होगी मैंने कैसे गाउन की कटिंग की है ऊपर के पार्ट के दोनों की। अब गले की कटिंग करेंगे। तो पहले गले की मार्किंग कर लेते हैं। 4 इंच की मैंने आपको बता रही हूँ, मैं इसका नेक रख रही हूँ, इसकी चौड़ाई 4 इंच है। लंबाई जो मैं रख रही हूँ तो मैं थोड़ा सा डीप नेक पहनती हूँ, मैं 7 इंच इसकी मार्किंग कर रही हूँ। तो यहाँ से बराबर नीचे के साइड से भी 4 इंच पे मार्क कर लेंगे चौड़ाई पे, दोनों लाइन को ड्रॉ कर देंगे नीचे और ऊपर के, और बीच में इसका बोट नेक की मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। ये मेरा फ्रंट नेक हो गया, इसकी कटिंग करेंगे। दोनों अगर पहले पार्ट को अलग अलग कर लेंगे क्योंकि बैक नेक में थोड़ा सा डीप रखूंगी और भी। तो ये फ्रंट नेक की पहले अच्छे से कटिंग कर लीजिएगा। अब बैक नेक की भी सेम ऐसे ही मार्किंग करते कटिंग कर देंगे, बस थोड़ा सा डीप नेक कर देंगे। अगर आप चाहें जितना डीप नेक चाहते हैं उतना रख सकते हैं, या फिर आप छोटा सा गला बैक नेक रख सकते हैं। यहाँ से बिल्कुल अच्छे से बराबर रखिएगा फैब्रिक, और दोनों की दूसरे के बराबर रखते हुए पहले गले को मिलाते हुए मार्किंग कर लेंगे। अब थोड़ा सा गला बैक साइड का बढ़ा देंगे मार्क से और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये मैंने देखी इसकी कटिंग कर दी है। अब इसके साथ में फैब्रिक भी कट करेंगे। तो फैब्रिक यूज कर लेते हैं। तो इस पे ऊपर के साइड का जो पार्ट रहेगा वो एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक यूज करना है आपको। तो ये देखिए मैंने अस्तर ले लिया। अस्तर को पहले दो पार्ट में फोल्ड कर देंगे, फिर क्रॉसिंग में इसका फोल्डिंग कर देंगे। ये नीचे का गाउन में बनाऊंगी। तो आपको जितना कमर की आपकी साइज हो उतना साइज ले लीजिएगा। मेरी कमर की जो साइज है वो 30 है, 32। तो 32 का हाफ करेंगे 16 आएगा, 16 का हाफ करेंगे 8 इंच आएगा। तो 8 इंच के बराबर पहले इसको लाइन में ड्रॉ कर देंगे। तो बिल्कुल बराबर लाइन में ड्रॉ कर दी ऊपर की साइड से, देख लेंगे कितना चौड़ाई आ रही है। फिर इस तरीके से वही चौड़ाई में लंबाई में पूरी मार्किंग कर लेंगे घुमाते इंची टेप को। फिर इसकी कटिंग कर देंगे उसी तरीके से। नीचे का आपको जितना लेंथ चाहिए उतना लेंथ पे आप मार्किंग कर सकते हैं। इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, थोड़ा सा इसको कटिंग करने में ईजी रहेगा। तो लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। अगर आपको पूरा एंकल तक चाहिए लेंथ तो आप एंकल तक रख सकते हैं, या फिर अगर छोटा चाहिए तो छोटा भी लेंथ रख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। जो भी मेरा छोटा पड़ रहा है वहां से मैं फैब्रिक ज्वाइन करूंगी। तो अस्तर में फैब्रिक ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फैब्रिक को यूज करते हैं, यहाँ से फैब्रिक को ज्वाइन कर देंगे तो ये बराबर में आ जाएगा। इसको अस्तर की फैब्रिक को अब साइड रखेंगे, मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो मैंने देखिए एम्ब्रॉयडरी वाली फैब्रिक ले ली है, ये मेरा ऊपर का पार्ट रहेगा। इसमें मैं अब फ्रंट और बैक पार्ट बनाऊंगी और इसकी स्लीव्स बनाऊंगी। तो पहले इसको 4 पार्ट में ऐसे फोल्ड कर देंगे और इसका एक पार्ट रखेंगे इसके ऊपर और बराबर में इसकी कटिंग कर देंगे। जिस तरीके से है इस तरीके से पूरी कटिंग कर लीजिएगा। गले को पहले छोड़ देंगे। तो गले के मैं फ्रंट पार्ट का लेके कट कर रही हूँ, तो फ्रंट पार्ट का थोड़ा सा छोटा था। अगर बैक पार्ट में छोटा गला आ जाएगा तब भी चल जाएगा।
क्योंकि हम उसको अस्तर के बराबर में बाद में कटिंग करके बराबर में इसको बना देंगे। ये देख लीजिए मैंने इसकी कटिंग कर दी, इसको साइड रखेंगे। अब मैंने ये ले ली है, इसको फोल्ड कर दिए। अब इस पे स्लीव्स बनाएंगे। स्लीव्स की जो चौड़ाई आपको लेनी है, तो मैं 8 इंच रख रही हूँ आर्म होल की। तो आपको आर्म होल के बराबर में माप लेते हैं, जो अपने फ्रंट एंड बैक पार्ट का जो कटिंग है उसकी आर्म होल की माप ले लीजिएगा, फिर उसी बराबर में स्लीव्स की कटिंग कीजिएगा। 3 इंच के नीचे ये साइड में डाउन रखा है आर्म होल का। ये मेरी कटिंग इसकी बराबर मार्किंग कर ली है। नीचे का जितना आपका चौड़ाई हो ब्रिस्ट की उतनी ले लीजिएगा, इसको बराबर में पूरा मार्किंग करने के बाद कटिंग कर दीजिएगा। तो लेंथ इसकी मैं देख लीजिए 22 इंच रख रही हूँ, फुल लेंथ है स्लीव्स की। आप फुल लेंथ या फिर 3/2 लेंथ जितना आपको चाहिए उतना रख सकते हैं, लेकिन फुल लेंथ इस गाउन में ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो मैंने ये मार्किंग करते हुए कटिंग कर दी है। मैंने ये मेन फैब्रिक लिया नीचे का, तो जॉर्जेट का फैब्रिक मैं यूज़ करी। इसको पहले डबल पार्ट में आपको फोल्ड करना है, फिर इसको इस तरीके से फैला दीजिएगा बराबर में, और इसको इस तरीके से क्रॉसिंग में फोल्ड कर देंगे। इसके ऊपर अस्तर को रखेंगे। तो एक बार मैंने और फोल्ड कर दिया है, अस्तर को भी उस तरीके से फोल्ड करते हुए फिर बराबर रखेंगे दोनों पार्ट को, और ऊपर की साइड से कटिंग कर लेंगे। अब नीचे की साइड से बिल्कुल बराबर करते हुए कटिंग कर दीजिएगा। जो भी थोड़ा बहुत छोटा पड़े उस वहां से फैब्रिक को ज्वाइंट कर दीजिएगा। ये देखिए फैब्रिक ये कटिंग हो चुकी है, इसको साइड रखते हुए मैंने ये फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों ले लिया है। आपको स्टिच करके दिखा देती हूँ कैसे स्टिचिंग करनी है। दोनों को बिल्कुल बराबर रखेंगे एक दूसरे के फैलाते हुए पहले। और इसकी देखिए बैक पार्ट है मेरा, तो बैक पार्ट को मैं कैसे स्टिच कर रही हूँ इस तरीके से लिख लीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाए आपका बैक पार्ट कौन सा है और फ्रंट पार्ट कौन सा है। पहले देखिए मैंने गले की पूरी स्टिचिंग कर ली है। अब इसके गले पे छोटे छोटे कट लगा देंगे। पूरा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल दीजिएगा। कट लगाने से ये प्रॉफिट रहेगा कि अगर आप गले को पलट कर सीधा करेंगे तो बिल्कुल बराबर में आएगा। तो मैंने छोटा छोटा कट पूरे गले पे लगा दी, इसको पलट कर सीधा कर देंगे और गले पे एक सिलाई लगा दी, इसके पूरी फिनिशिंग दे देंगे। तो मैंने फिनिशिंग की स्टिचिंग देखिए करते हुए दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपको करना है, इसे डिजाइन उभर कर दिखने लगेगी। गले पे थोड़ा सा लेस लगाते हुए इसकी डेकोरेशन भी कर दीजिएगा। मैंने ये वीडियो में नहीं दिखा रखा है, तो लेस लगाते हुए डेकोरेट कर देंगे गला, इसे और भी अच्छा दिखेगा। तो ये देखिए मैंने गले की स्टिचिंग कर दी है। अब इसकी ऑलराउंड स्टिचिंग करेंगे। अस्तर कपड़े को बिल्कुल बराबर रखिएगा और साइड साइड से सिलाई लगाते हुए इसको एक दूसरे के साथ में अटैच कर देंगे पूरा। ये ऑलराउंड स्टिचिंग हो चुकी है। अब नीचे के साइड इसके जो है दोनों साइड से टक्स लगा देंगे। तो टक्स का माप ले लीजिएगा, एफएक्स टू एफएक्स का माप लेते हो फिर टक्स को लगाइएगा। ये देख लीजिए एक साइड से मैंने फोल्ड करते हुए टक्स लगा दिया, दूसरे साइड से भी इस तरीके से टक्स को लगा देंगे। ऐसे बैक एंड फ्रंट दोनों पार्ट को सेम ऐसे ही बना लीजिएगा टक्स लगाते हुए। तो एक पार्ट मेरा बन चुका है, दूसरा पार्ट भी सेम बना देंगे। देखिए दोनों मैंने बना लिया है, बैक एंड फ्रंट दोनों बन चुके हैं मेरे। अब इन दोनों के शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। तो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर रख लीजिएगा दोनों पार्ट को, और शोल्डर को अच्छे से स्टिच करते दोनों को साथ में बराबर में अटैच कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ से पक्की सिलाई लगाते हुए शोल्डर को स्टिच कर दिया, दूसरे साइड का भी शोल्डर स्टिच कर लेंगे। अब पहले इसको साइड करेंगे, आपको स्लिप्स की स्टिचिंग करके दिखाएंगे। इसके साथ में स्लिप्स को भी आपको स्टिच करना है। मैंने स्लिप्स ले ली है, इसको बिल्कुल बराबर बीच का पार्ट इसको लेंगे, बीच से बिल्कुल बराबर रखेंगे और सिलाई लगाते हुए स्टिच कर देंगे। मैंने देखिए एक साइड से स्टिच कर लिया, इससे जो है दोनों साइड से बिल्कुल बराबर आएगा फैब्रिक स्लिप्स की। अगर बड़ी रहेगी स्लिप्स तो भी बराबर आएगी, छोटी रहेगी तब भी बराबर आ जाएगी। तो मैंने देखिए पूरा स्टिचिंग इसकी भी कर दी है। ऐसे दूसरे साइड से भी स्लिप्स को ज्वाइंट कर दीजिएगा इसके साथ में ही। तो मैंने दोनों साइड के अच्छे से अटैच कर दिया है, इस तरीके से कर दीजिएगा। स्लिप्स का नीचे का बॉर्डर भी बना लीजिएगा, मैंने वो बॉर्डर बनाना आपको दिखाना भूल गई। तो ये देख लीजिए मैंने ये अब अस्तर का फैब्रिक लिया है जो नीचे का गाउन का है, तो उसके साथ में ये मैंने फैब्रिक मेन फैब्रिक ले लिया जॉर्जेट का। अब दोनों के कमर को एक दूसरे के बराबर रखेंगे और सिलाई लगा के स्टिच कर लेंगे।
ये देख लीजिए, मैंने दोनों फैब्रिक को सेम कमर को बराबर रखेंगे, अस्तर फैब्रिक को एक दूसरे के साथ में अटैच कर लेंगे। ये देख लीजिए, ये एक साथ में अटैच हो चुकी है। इस तरीके से दूसरा पार्ट भी बना लेंगे सेम। अब इसके साथ भी जो मैंने अभी ऊपर का पार्ट बना रखा है उसको भी अटैच करना है आपको। तो ऊपर का पार्ट ये ले लिया है मैंने, दोनों को एक दूसरे के बराबर बिल्कुल रखेंगे, सिलाई लगाते एक साथ में स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, एक पार्ट को मैंने ज्वाइंट कर दिया एक साइड से, इस तरीके से दूसरे साइड से दूसरा पार्ट को भी स्टिच कर लेंगे। दोनों पार्ट को स्टिच करने के बाद पहले इसका नीचे का बॉर्डर बनाएंगे। तो पहले अस्तर के पार्ट को इस तरीके से बराबर रखेंगे और रॉन्ग साइड से स्टिच कर देंगे, और ये जो पार्ट है इसको भी रॉन्ग साइड से स्टिच कर लेंगे। दोनों को बराबर रखते स्टिच कर लीजिएगा, क्लियर आपको वीडियो में दिख रहा होगा। तो पहले आपको क्या करना है, जॉर्जेट वाला जो फैब्रिक है उसको ऊपर से बिल्कुल स्टिच करना है, और थोड़ा सा अस्तर वाली फैब्रिक को थोड़ा सा नीचे के साइड से स्टिच कीजिएगा। मैंने दोनों को इसी तरीके से स्टिच किया, ये हमने अस्तर को ज्वाइंट कर दिया। अभी जॉर्जेट वाला फैब्रिक लिया, इसको भी दोनों को बराबर रखेंगे एकदम, और सिलाई लगाते हुए इसको एंड तक स्टिच करेंगे, जहां तक हमारा अपर वाला पार्ट आ जाए वहां तक आपको स्टिच करना है इन दोनों पार्ट को मिलाते हुए। ये देखिए, मैंने स्टिच कर ली है इसकी भी स्टिचिंग, ऐसे ही मैंने दूसरी साइड से भी बना दिया सेम। अब इसको बनाने के बाद इसको पलट देंगे, इसके रॉन्ग साइड से लेंगे और स्लीव्स को बराबर रखेंगे। तो स्लीव्स का बॉर्डर देखिए मैंने कैसे बना रखा है, इस तरीके से नॉर्मली बॉर्डर बना दीजिएगा, अंदर के साइड अस्तर को फोल्ड कर दीजिएगा। ये देख लीजिए, मार्किंग कर लीजिए, जितना आपका साइज है उसी मार्किंग करते हुए फिर फिटिंग कीजिएगा। दोनों साइड से ऐसे फिटिंग कर लेंगे इसकी, मैंने कम्प्लीटली दोनों साइड से फिटिंग कर दिया है। नीचे का बॉर्डर बनाएंगे, अस्तर का बॉर्डर देखिए इसको बिल्कुल पतला पतला आपको फोल्ड करना है और सिलाई लगाते हुए स्टिच कर देना है। अगर आप चाहे तो इसको इंटरलॉक भी कर सकते हैं, मैंने इसे फोल्डिंग करते हुए बनाया, इंटरलॉक करेंगे तो भी अच्छा लगेगा डिजाइन बहुत ज्यादा। तो अस्तर का बॉर्डर पूरा कंप्लीटली बना दिया। अब ये मैंने मेन फैब्रिक का बॉर्डर लिया है, इसको भी बिल्कुल राउंड करते पतले में फोल्ड करेंगे और इसको भी सिलाई लगाते हुए अच्छे से पूरा एंड तक स्टिच कर देंगे ऐसे ही। तो मैंने देखिए कम्प्लीटली ये पूरा एंड तक इसको बना के अच्छे से स्टिच कर लिया है। तो आपको समझ में आया मैं नीचे का बॉर्डर कैसे बनाई। तो कम्प्लीटली ये देखिए मेरा गाउन का फुल लुक आपको देखने को मिल रहा है। इस तरीके से आपको ये बनाना है, तो ये बहुत ही इजी है बनाना। ये मेरा कम्प्लीटली नीचे पीछे के साइड से मैंने ये बांधने के लिए रखा है कि अगर आपकी थोड़ा सा भी लूज या फिटिंग करना हो जिस तरीके से, उस तरीके से आप कर सकते हैं, लूज टाइट जो भी करना है। तो ये देख लीजिए मेरा फुल लुक आपको समझ में आया होगा मैंने कैसे बनाया है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। अगर डिज़ाइन आपको मेरी ये गाउन की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताएं आपको वीडियो और कैसी देखना पसंद करेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।